चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस के बारे में। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मंत्रालय की पहल के तहत दिल्ली में पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन भी है जो भारत को अपने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है। सरकार जल्द ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 15 और फ्यूल सेल बसें चलाने की योजना बना रही है। इस बस की शुरुआत ट्रायल के तौर पर की गई है। इस शुरुआत में सिर्फ 2 बसों को ट्रायल के तौर पर लॉन्च किया गया है। ये हाइड्रोजन बसें 3,00,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। हाइड्रोजन से चलने वाली ये बसें एक बार में करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर पाएंगी। पेट्रोल डीजल गाड़ियों की वजह से प्रदूषण में लगातार इजाफा हो रहा है, इसे रोकने की पहल में देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बसों की शुरुआत की गई है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों, इथेनॉल और दूसरे ऑप्शनल फ्यूल पर चलने वाले व्हीकल्स पर भी फोकस किया जा रहा है। अब इससे लाभ क्या होगा? असल में ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने और इस्तेमाल होने में पॉल्यूशन कम होता है, इसीलिए इसे लो कार्बन फ्यूल के तौर पर जाना जाता है। भारत आने वाले 20 सालों में दुनिया भर की 25% एनर्जी की डिमांड करने वाला देश बन जाएगा। ऑप्शनल फ्यूल के इस्तेमाल के बाद हमारा देश आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट में सबसे आगे होगा। 2050 तक हाइड्रोजन की ग्लोबल मांग 4 से 7 गुना बढ़कर 500 से 800 मिलियन टन होने की उम्मीद है। इसमें घरेलू मांग मौजूदा 6 मिलियन टन से बढ़कर 2050 तक 25 से 28 मीट्रिक टन तक 4 गुना बढ़ने की उम्मीद है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के तहत पीएसयू 2030 तक लगभग 1 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन बस की विशेषताओं के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन बस एक शून्य उत्सर्जन वाहन है जो बस को चलाने के लिए बिजली का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का इस्तेमाल करता है, जिसमें सिर्फ पानी का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन सेल के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया एनोड पर फ्यूल और कैथोड पर हवा से ऑक्सीजन को पानी में बदलती है और इलेक्ट्रॉनों के रूप में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन बसें काम कैसे करती हैं, तो प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में हाइड्रोजन मिश्रण, इलेक्ट्रोलाइजर आधारित प्रौद्योगिकी के स्थानीयकरण हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जैव मार्गों को बढ़ावा देने से संबंधित परियोजनाओं को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। ईंधन सेल बस को बिजली देने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है और बस से निकलने वाला एकमात्र अपशिष्ट पानी है, इसलिए यह पारंपरिक बसों जो पेट्रोल और डीजल से चलती है उसके मुकाबले पर्यावरण के काफी अनुकूल भी है। इसके साथ ही हमारा आज का ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।